अहल्या के सुझाव पे दाना जी को छोड़ के बाकी सब खुश भी हुए, उन्होंने ताली भी बजाई। बजाई तो दाना जी ने भी, मगर उनकी स्पीड ऐसी थी बनता है क्या करें, बेचारे हर बार फेल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो हमने देखा कि अहिल्या दरबार में पहुंच गई, उसको बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि चिंता वो करती नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं सही के साथ जा रही हूं और ये काम मुझे करना है, इसके बाद चाहे मुझे कुछ भी सुनने को मिले मैं सुन लूंगी। इसलिए वो दरबार में चली जाती है मल्हार सरदार के कहने पर, और वहां पर जाके जब सबकी बातें सुनती है, मल्हार सरकार भी कहते हैं कि नहीं है राजकोष में खजाना, तो फिर वो अपना सुझाव देती है। तो इसी में बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जब तक तो अहिल्या ने सुझाव नहीं दिया था, तब तक तो धनाजी सरदार भी बहुत कॉन्फिडेंस में थे, गंगू बात आते हैं भी कॉन्फिडेंस में थे, और तो कुछ ही को तो कुछ कुछ था कि अहिल्या के पास कुछ है कहने के लिए, मगर ये दोनों गंगू बात आते हैं और धनाजी, ये पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि ये सिर्फ समस्या लेके आई है, इसका सुझाव तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि खजाना नहीं है तो खजाने को तो खजाने से ही भरा जा सकता है ना, तो ये सुझाव कहां से लाएगी। इसलिए वो बोलते हैं मल्हार सरकार को कि रानी साहिबा कल हमारे पास भी आई थी और हमने इनको समझाया था, और आपने और हमने देखा कैसे इन्होंने समझाया था, एक तानों के बानों के साथ इन्होंने अहिल्या को पूरी तरह से जख्मी किया था, और उस उन जख्मों ने अहिल्या को और पक्का किया कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही करना है। तो खैर ये बात उन्होंने कही, मगर मल्हार सरकार जिनको अपनी शिष्य अहिल्या पर पूरा विश्वास है कि ये अहिल्या ही है जो प्रॉब्लम नहीं लेके आती है, प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी लेके आती है, नहीं तो प्रॉब्लम बताने का फायदा ही क्या। इसीलिए जब मल्हार सरकार भी अहिल्या को कहते हैं और समझाते हैं कि अभी नहीं है, मैं अपने निजी कोष से कर सकता हूं सहायता, मगर आगे हम देखेंगे जब होगा इस समस्या को, हम पूरी तरह से हम लोग इसको इसका समाधान ढूंढेंगे, क्योंकि ये तुमने जो पॉइंट उठाया है बहुत सही है, अगर हमारे सैनिक बाद में भूखे मरेंगे तो फिर फायदा क्या। तो ये बात होती है, तो यहां पे जब अहिल्या कहती है कि मेरे पास सुझाव है, तो जो स्माइल देखी हमने मल्हार सरकार के फेस पे, वो स्माइल से पूरा समझ में आ गया कि मल्हार सरकार को ये पहले से ही आइडिया था कि अहिल्या के पास सोल्यूशन है। और जब वो सोल्यूशन देती है, पेंशन प्लान के बारे में बताती है, तो ना सिर्फ गंगूबा तुकू जी, बाकी सब जो दरबार में है, यहां तक कि धनाजी सरदार की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उन्होंने इस लेवल पे सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। उन्हीं का धन है उसमें, जो सरकार है अपने दो मोहरे जोड़ेंगी, और फिर जब उनको ये आश्वासन हो जाएगा कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे या अपंग हो जाएंगे, तो हमारी फैमिली का जो जो भी है कह सकते हैं पालन पोषण, उसको करने के लिए हमारी ही इनकम हमारे पास आएगी, जिसको आजकल हम प्रोविडेंट फंड भी बोलते हैं, पेंशन भी बोलते हैं। तो ये सुझाव इतना अच्छा था उस समय के हिसाब से दोस्तों कि तालियां तो बनती ही बनती थी, और तालियां बजाई, यहां तक कि गंगू बात आते सबसे पहले ताली बजाने में थे, जिनको हम नॉर्मली अहिल्या के विचारों के खिलाफ ही देखते हैं, मगर अच्छा लगा उन्होंने बजाई, धनाजी सरदार ने भी बजाई जैसे मैंने बजा के बताया आपको। मगर यहां पे फिर से वो नुकसान की बात करते हैं कि इससे तो अपने खजाने का नुकसान होगा। तो फिर जब मल्हार सरकार उनको समझाते हैं कि हर चीज पैसे से नहीं तोली जाती है, अगर मैं आज भी इस बात को मानती हूं जिन्होंने कहा, क्योंकि जब मैं एज एम्प्लॉयर थी और मेरे साथ लोग काम कर रहे थे, तो मैं यही पॉलिसी भी अपनाती थी कि जब एम्प्लॉय आश्वस्त होगा, जब लोगों को ये पता होगा कि हमें हमारा भविष्य इस कंपनी में या इस जगह पे इस राज्य में सुरक्षित है, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, तो काम करने की कैपेसिटी उनकी डबल हो जाएगी। और वही मल्हार सरकार ने अपने शब्दों में समझाया कि जब आश्वासन हो जाएगा हमारे सैनिकों को, हमारे काम करने वाले लोगों को, तो उनका काम करने का जो तरीका है वो प्लस हो जाएगा, और ये हमारा फायदा है, नुकसान नहीं है। इसीलिए वो प्रैक्टिकली और इमोशन दोनों को जोड़ के ये समस्या का हल जो है अहिल्या ने निकाल के बताया, और ये वाकई में उस समय का बहुत बड़ा हल था जो अहिल्या ने इस तरह से एग्जाम्पल देके निकाला। और इसी से पता चल गया कि अहिल्या खाली हाथ नहीं गई है और खाली दिमाग नहीं गई है, वो अपनी चीजों को प्रूव करने के लिए तैयारी करके गई है। और वहां पे दरबार में अहिल्या और बाकी सबके साथ साथ जो खुशी थी वो सैनिकों के चेहरे पे भी थी, जो दरबार खड़े थे, जो कर्मचारी खड़े थे, उनके चेहरे पे भी खुशी थी। तो क्यों नहीं हो खुशी,
जब इतनी बड़ी चीज अहिल्या ने कर दी है तो क्यों नहीं लोग उस खुशी में शामिल होंगे, क्योंकि उनके लिए ही तो की है। तो मल्हार सरकार की शाबाशी इस बात का गवाह है कि मल्हार सरकार ने जो अहिल्या को दरबार में बुलाया है उसमें उनका पूरा पूरा उनके राज्य का, अपने राज्य का फायदा है, क्योंकि अहिल्या से जो सलाह आती है वो 100% प्रजा के हित में होती है, राज्य के हित में होती है। तो धनाजी सरदार कुछ भी सोचे, ना खुश हो, कुछ भी हो, मगर प्रजा की भलाई के लिए अहिल्या को वो कभी भी रोक नहीं पाएंगे। तो आगे क्या करते हैं धनाजी सरदार हम देखेंगे, मगर फिलहाल के लिए उनकी जो दिमाग की बत्ती जो है पूरी गुल हो गई होगी, क्योंकि उन्होंने तो पूरा सोचा था कि हमने तो कर दिया है, अब इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, मगर अहिल्या ने निकाल दिया है। देखते हैं क्या करते हैं, मगर आपसे जरूर कहूंगी कि आप भी थोड़ा सा इस पर योगदान दीजिए कि आपको ये कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा ये सुझाव अहिल्या का, क्योंकि ऐसे ही सुझाव और ऐसे ही प्लान्स आगे आगे आएंगे जो अहिल्या ने अपनी लाइफ में किए, जिसकी वजह से इनका नाम हिस्ट्री में दर्ज है। कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।